हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन घोष फिर प्रेजेंट हो गया। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लब काइट राइडिंग का कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, और ये जो वीडियोस हैं मैं एक वेस्ट दिल्ली के ग्राउंड से दिखाऊंगा। यहाँ पे काफ़ी सारा क्लब काइट राइडिंग होती है, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करने का काम आपका है, और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना करके प्रेजेंट करना मेरा काम है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। वो देखिए फ्रेंड्स, फिर पे सही हो चुका है, और जो राइट हैंड साइड से वो नीचे से लड़ा रहे, और आप देख सकते हैं शाम हो चुका है और एक दो पेची लड़ेंगे। राइट हैंड साइड वाला नीचे से लड़ा रहा है और लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर से लड़ा रहा है। अभी क्या होता है, उसने खड़ा गद्दा मार दिया और ओहो, खड़े डोर के ऊपर अपनी पतंग रख दी फ्रेंड्स, इस करके जो है पतंग कटी है, और ये बहुत ही जो है गलत पेस था। इस तरह से खड़े डोर के ऊपर जो है पतंग को नहीं रखना चाहिए। अगर आप गद्दा मार रहे तो पूरा ही मारिए, खड़े डोर के ऊपर जा कर के रुक जाएंगे तो आपकी पतंग ढीली पड़ेगी और पेच कटेगी। फ्रेंड्स देखिए, फिर सही हो गया और जानता हूँ। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पेच काटा फ्रेंड्स। ये डब्बू जानते हो इनको? बहुत बढ़िया पेच काटा यार। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पांडे उड़ा दे, सही हो गया। मुझे लड़ाने आते, मैं किसी से नहीं डरता। मुझे सही हो गया इसका पेच काटा ना। मेरा ये था कि मेरे को घाव लग गया इसके पेच का, तेजी से नीचे से घुस करके आ गया वो। इसने मारी मेरे पे दबा के, ये कन्ना पकड़ेगा। मैंने जैसी खींची ना, जब ही हो गया, मतलब मेरे हाथ में तो डोर ही नहीं थी, पता ही नहीं थी। अभी तेजी के साथ घुस करके आ गया फ्रेंड, वो उसकी बिल्डिंग नहीं नहीं टूटा नहीं है फ्रेंड्स, उसने अभी हाथ छोड़ा था। और देखिए क्या होता है, फिर दोबारा ये खींचता शुरू हुआ। ओह, बहुत बढ़िया काट दिया, कन्ना काटा बहुत ही अच्छा, कर मजा आ गया देख करके फ्रेंड्स। ये पेच फ्रेंड्स, अब देखिए फिर पेच लड़ने जा रहा है, और आप बाहर देख सकते हैं पूरा लाइट वगैरह सब जल चुका है, और लेकिन क्लब काइट फाइटर्स हैं कि मानते ही नहीं वो, लगातार जो है वो फरमाइश करते हैं कि और पतंग उड़ाओ और पतंग लड़ाओ। ये भी क्रेज फ्रेंड्स बड़ा अजीब है, और दिल है कि मानता नहीं, आप ये कह सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए सही हो गया, और बिल्कुल एकदम सही हो गया। मैंने फुल जूम कर रखा है फ्रेंड्स, और शाम भी हो गया है। अब देखिए क्या लड़ता है, वो खींचता चालू किया, बहुत तेज खींचा। ओ हो हो, वह नहीं पतंग नीचे से निकल गया, और फिर दोबारा सही होगा, ये दोबारा फिर सही हो गया फ्रेंड्स। लेफ्ट हैंड साइड वाला नीचे से लड़ा रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल हेजी दिख रहा होगा आपको, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। और एकदम हेजी हो चुका है, और देखता हूँ क्या होता है। बहुत खेचा चालू किया दोनों ने, चालू किया, काट दिया फ्रेंड्स, ऊपर वाले ने काट दिया। मैं ऊपर से रहूँगा फ्रेंड्स, फिर पेच लड़ने जा रहे हैं आप देख सकते हैं, और लगातार एरोप्लेन उड़ते रहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे लगातार। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर लड़ने जा रहा है, और जो लेफ्ट हैंड साइड से वो नीचे से लड़ा रहा है, और राइट हैंड साइड वाला ऊपर से लड़ा रहा है। और देखिए फिर कितना बड़ा एरोप्लेन, माय गॉड, इसकी आवाज़ सुनिए कान का पर्दा फट जाएगा ऐसा लग रहा है। अब देखिए इसकी साइज़ देखिए, माय गुडनेस, और ये पेच देखिए आप, सही हो चुका है। कई कई बार आवाज़ देनी पड़ती है सही की, और
नहीं हुआ पेच, क्योंकि ऊपर वाला कन्ना पकड़ रहा था इसलिए नीचे वाले ने अपनी पतंग हटा ली। और अब सही होने के बाद कहाँ चढ़ गए वो देखिए ऊपर से उसने का आखिर कन्ना काट ही दिया। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, उसने एंड तक छोड़ा नहीं उसका कन्ना, और वो देखिए पतंग जा रही है बिल्कुल एकदम कन्ने के ऊपर, डोर रख करके डोर बहा दी, वो पतंग कट करके जा रही है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है, नीचे वाले का भी मुड्डा बहुत अच्छा बना हुआ है, ऊपर वाले का भी मुड्डा बहुत अच्छा बना हुआ है फ्रेंड्स। और देखिए क्या होता है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं कर रहा इस समय, बस मौके की तलाश में है, मौका मिलेगा और खींचेगा। इसमें कंधे की ताकत और दिमाग दोनों ही एक साथ चलता रहता है। और ये काइट फ्लाइंग काइट फाइटिंग का जो गेम है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त जो है इसमें दिमाग का भी रोल रहता है। और इसने मारा था बहुत अच्छा टेपर गद्दा, लेकिन उसने अपनी पतंग बचा ली, इसी को ही कहते हैं कलाकारी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया मूव था नीचे वाले का, लेकिन ऊपर वाले ने उतना ही अच्छा बचाया अपनी पतंग को। अब इसने देखिए अब क्या करता है, और मौका दोनों के पास ही है, लेकिन वो फिर डबल का बनाया था, और ये पेच आया कि नहीं आया पता नहीं, अभी तो कटने पे ही पता चलेगा पेच आया है कि नहीं आया है। लग रहा है पेच क्या नहीं आया, क्या नहीं आया पेच फ्रेंड्स, पेच फिर ओ आया हुआ था, आया हुआ था फ्रेंड्स, पेच आया हुआ था, और वो देखिए कट गई पतंग वो फ्रेंड्स, फिर से एक पे सही हो गया। और आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड से है वो नीचे से लड़ा रहे हैं, और राइट हैंड साइड से ऊपर से लड़ा रहे हैं फ्रेंड्स। हेलो जी बोलो। ओके ज़बरदस्ती खींचा है और काट दिया खींच करके, बहुत ही अच्छा। देखिए फ्रेंड्स बहुत कम मौका था, लेकिन बहुत ही अच्छा पेच काटा, ये आप देख सकते हैं जिन्होंने काटा वो व्हाइट शर्ट पे हैं, वहाँ से लड़ा रहे हैं। हाँ नदीम का पेच बहुत अच्छा है, जेके काइट क्लब वाला ना, उसका पेच बहुत अच्छा है और काफ़ी पावरफुल पेच है उसका। बिल्डिंग के ऊपर पेच चला गया। हाँ अब हवा जो है बिल्डिंग की तरफ आ गई है, और बस यहीं से मूव होगा। और फ्रेंड्स आपको बता दूं ये आखिरी पेच है, बिल्डिंग में डोर फंस गई थी फ्रेंड्स, इस करके जो पतंग का बुड्ढा ऊपर चला गया और ऊपर वाले ने फ़ायदा उठा लिया, बहुत इजीली पेच काटा फ्रेंड्स ये। अच्छा तो फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो बंद करूंगा, मेरा वीडियो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल का नाम है सोमेन घोष जी, यही नाम है। और बहुत जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ, और तब तक के लिए बाय।